हमारा आज का नॉवल एक बेहद इंटरेस्टिंग नॉवल है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। एक ही एपिसोड में कंप्लीट नॉवल आपको दे रही हूँ, इन्जॉय करें। थोड़ा सा आपको नॉवल जनरे बता देती हूँ। इसमें जो हीरो है वो CSS क्लियर करके एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। सेम केस हीरोइन के साथ भी है, उसने भी अपना CSS क्लियर करके एक अच्छी पोस्ट पर है। लेकिन अब कुछ इस तरह से हुआ है कि हीरोइन का भाई है जेल में कत्ल के इल्ज़ाम पर, कत्ल किया बल्कि इल्ज़ाम नहीं, कत्ल किया है शायद, मुझे भूल गया किया है कि नहीं किया, खैर जो भी रीज़न है, हीरोइन की वजह से ना वो जेल में है। अब हीरोइन उसको बचाने की खातिर, हीरोइन जो है फाइनेंशियली ना उसके सर पर बाप का साया है और बस मदर है, थोड़ी फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं इतने ये लोग ना। अब उस अपने भाई को बचाने की खातिर अपनी पूरी कोशिशें करी और किस किस तरह की हरासमेंट का सामना हीरोइन को करना पड़ा है वो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। अब दूसरी तरफ इस केस की वजह से हीरोइन पर कुछ इल्ज़ाम, काफ़ी किस्म के करप्शन के इल्ज़ाम लग चुके हैं। अब जिसकी वजह से हीरोइन की यह जॉब जो कि उसने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी, बहुत स्ट्रगल्स के साथ CSS क्लियर किया था, अब वो लग चुकी है दाव पर उसकी जॉब, क्योंकि ज़ाहिर है करप्शन के इल्ज़ाम उस पर लगे हैं। अब उसकी ये जो इंक्वायरी है ना वो हीरो के पास आई है, हीरो ने उसकी इंक्वायरी करनी है, इस केस को रिजॉल्व उसने करना है। ओके, स्टार्टिंग में हीरो का इमेज बहुत रिजर्व और रूट सा दिखता है नॉवल में, लेकिन एक्चुअली में नॉवल को पूरा सुन के आपको पता लगेगा कि हीरो एक्चुअली में किस कदर जेंटलमैन है, किस कदर काइंड हार्टेड है और कितनी अच्छी नेचर का है। बहुत अच्छी नेचर है हीरो की, वो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। बाकी फिर नॉवल में आगे क्या क्या होता है, ऑफकोर्स नॉवल की हैप्पी एंडिंग है और बेहद इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग नॉवल है। हाँ, एक दो लूप होल्स हैं नॉवल में, बट स्टोरी इतनी इंगेजिंग है कि वो जस्टिफाइड है, उसको इग्नोर करो और फिर नॉवल सुनो, बहुत अच्छा है, यकीनन आपको पसंद आएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं तारीफें करनी, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ही इंगेजिंग लगी है स्टोरी तो। और ये राइटर भी वो वाली राइटर हैं जिनके पहले मैं 5 नॉवल्स पढ़ चुकी हूँ। जब आप वो नॉवल सुनोगे ना आप लोग, तो मैं उसके पहले कमेंट में ना पोस्ट करूँगी उनके पाँचों के पाँचों नॉवल्स, फिर आप वो जब सुनोगे तो आप कहोगे हाँ वाकई ये राइटर उतना अभी उस तरह का, लाइक निमरा अहमद, उमैरा अहमद ऐसे नाम नहीं है इस राइटर का, लेकिन ये लिखती बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहर की होती है, तो मुझे इनकी ना राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। राइटर हैं अतीका अयूब। ओके, सो अब जाके नॉवल सुन के आओ कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।